प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। प्रेम कौशल ने अमित शाह के द्वारा कांग्रेस पर की गई टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया है। कौशल ने दो टूक शब्दों में कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं के मुंह से इस तरह की टिप्पणियां अशोभनीय हैं, जिसकी कतई उपेक्षा नहीं की थी और यह सब दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह की पृष्ठभूमि को पूरा देश जानता है, जिससे उनके एक महिला नेत्री के लिए अच्छी बात कहने की उम्मीद भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी पहले ऐसे पीएम हैं जिनके 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन मोदी को कभी लोगों से मिलते हुए या बीच में जाते हुए कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि मोदी जनता की समस्याओं से वाकिफ नहीं है और जनता की फिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ ऊना में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने राहुल गांधी को लेके, प्रियंका गांधी को लेके जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावा करती है कि वो हिंदू संस्कृति की और भारतीय संस्कृति की संवाहक है, उनकी ये टिप्पणियाँ जो हैं उनका जो दावा है उसके बिल्कुल विपरीत हैं। और अमित शाह जी की जो पृष्ठभूमि है, जिसको पूरा देश जानता है, मैं समझता हूँ कि उनसे इस तरह की उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो एक महिला के राजनीति में आगमन पर उसका स्वागत करें, उसको मुबारकबाद दें, शुभकामनाएँ दें और एक अच्छे राजनीतिज्ञ और एक अच्छे राजनीतिक दल होने का परिचय वो देते। ऐसी अपेक्षा और ऐसी उम्मीद करना भी मैं समझता हूँ कि अमित शाह से जो है वो भूल होगी। जो कुछ उन्होंने कहा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, जो महिलाओं के प्रति जो सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है, उसको वो उजागर करता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि देश जी वो इस भारतवर्ष के एक ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनको लोगों ने प्रधानमंत्री बनने के बाद या तो रेडियो और टेलीविज़न पर सुना और देखा, या बड़े बड़े मंचों के ऊपर भाषण देते हुए देखा। आज दिन तक पूरे 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी को कभी लोगों से मिलते हुए, लोगों के बीच जाते हुए, किसी को गले लगाते हुए, किसी भूखे इंसान से मिलते हुए, किसी गरीब किसान से मिलते हुए, किसी नौजवान से मिलते हुए, किसी ने पिछले 5 वर्षों में नहीं देखा। और इसलिए क्योंकि वो जहाज़ में उड़ते हैं, प्लेन में उड़ते हैं, बड़े बड़े ऊंचे बुलेट प्रूफ मंचों से भाषण देते हैं, जनता से दूर हैं, जनता से कटे हुए हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि जनता की जो असली समस्याएं हैं उनसे भी वो वाकिफ नहीं है। इसके विपरीत जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने अपना जो 1 वर्ष का कार्यकाल उनका अभी संपूर्ण हुआ है अध्यक्ष बनने के बाद, वो कार्यकाल जो है उनका वो ज़बरदस्त रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को ना केवल करारी टक्कर दी गुजरात में भी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों के चुनावों में परास्त भी किया। और लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो एक कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है, और पिछले कल राहुल गांधी जी ने जो एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मिनिमम इनकम सिक्योरिटी बिल जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएगी, और वो सुरक्षा जो है मिनिमम इनकम सिक्योरिटी की सुरक्षा जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदान करेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज़न है, बहुत बड़ी सोच है, और ये सोच जनता के बीच जाके, किसानों के बीच जाके, गरीब के बीच जाके, गरीब के घर में जाके, और नौजवान जो है इस देश का है, बेरोजगार है, उनके बीच जाके उनकी बात सुन के, उनकी बात समझ के, तब ऐसी सोच जो है वो निकल के आती है, जिससे मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री रूबरू नहीं। वहीं प्रेम कौशल ने प्रियंका गांधी की कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि इससे पार्टी में काफी उत्साह है और प्रियंका गांधी के कांग्रेस में आने से बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्र से बीजेपी पार्टी सत्ता से बाहर होगी। इस अवसर पर प्रेम कौशल के साथ पत्रकार वार्ता में पार्षद राजेश चौधरी, अनिल चौधरी भी मौजूद रहे। पूरे देश ने स्वागत किया है और कांग्रेस पार्टी में तो बहुत उत्साह है। अकेले राहुल गांधी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद दिला दिया, अब प्रियंका भी उनके साथ आ गई हैं। अब मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का देश के जो शासन है उससे बाहर जाना तय है।